जी हाँ दोस्तों, आदित्य इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तहे दिल से नमस्कार है। मैं आपका आदित्य सर आज बिहार इंटर परीक्षा 2020 50 मार्क्स इंग्लिश आर्ट्स के लिए एक आंसर के लिए आया हूँ, जो 50 मार्क्स में अंग्रेजी के ऑब्जेक्टिव का आंसर की है। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और साथ ही साथ वीडियो को पूरे अंत तक देखें और अपना आंसर की मिला लें। और आंसर के मिलाने के बाद आपको अंदाज़ा लग सकता है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपने एग्जाम में कितना मार्क्स का बनाकर आया हुआ है और कितना मार्क्स आपका आ सकता है। ज़्यादा चलते हैं इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपको टाइम दिया गया है, ठीक है। और कितना क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको बनाना है और इसमें कितना बनाना है और कितना छोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें 30 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं और 30 ऑब्जेक्टिव में मात्र हमें 25 ही ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। या दोस्तों चलते हैं इस वीडियो के स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देख रहे हैं मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमें सही स्पेलिंग का चयन करना है। गार्जियन का चार ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी करके, कहीं ना कहीं इसमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जो गार्जियन का स्पेलिंग सही होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़ लुक डैश डैश द ब्लैक बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, करें कृपया आप ब्लैक बोर्ड पर देखें। ब्लैक बोर्ड पर देखें तो इसमें ऑप्शन आपको चार प्रीपोजिशन के क्वेश्चन से देखते हैं। ऑप्शन ए इन है, ऑप्शन बी एट है, ऑप्शन सी बाई है और ऑप्शन डी थ्रो। जी हाँ दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते हैं तीन नंबर क्वेश्चन की तरफ। करें कि यू डैश डैश कम टू स्कूल इन टाइम। करें कि आपको इस स्कूल समय पर आना चाहिए, समय से आना चाहिए। या दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सही करना है। ए नंबर कुड, बी शुड, सी वुड, डी वुडंट। या दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फोर नंबर क्वेश्चन से चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज। इसमें सही मीनिंग चुनना है इस फ्रेज का। या तो करें कि स्टैंड बाई, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, बाई मतलब के द्वारा, अर्थात किसी के द्वारा खड़ा होना, अर्थात आपका सपोर्ट होना। तो ऑप्शन ए सपोर्ट, ऑप्शन बी अटैक, ऑप्शन सी इरेज, ऑप्शन डी रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, इसमें सही स्पेलिंग होगा, सही फ्रेज का मीनिंग होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चल रहे हैं अगले पेपर की तरफ। अगला पेपर क्या है। करें कि दिस कार डैश डैश फोर डोर्स। जी हाँ दोस्तों, इसमें चार ऑप्शन देंगे, ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी हैज, ऑप्शन डी हैव। दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन की तरफ। द ओल्ड डैश डैश हेल्पलेस। दोस्तों, इसमें भी चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी वाज, ऑप्शन डी हैड। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन की तरफ। आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा, इन डैश डैश ग्राफ। या दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपका आर्टिकल से है। ए ऑप्शन ए, बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, अर्थात नो आर्टिकल। जी हाँ दोस्तों, इसमें ऑप्शन बिल्कुल सी सही है। चलते हैं एट नंबर क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट, वी डोंट डैश डैश टी एट नाइट। ऑप्शन ए वाज, ऑप्शन बी हैज, ऑप्शन सी हैड, ऑप्शन डी हैड। इसमें सही ऑप्शन का चयन करना है, इसमें कौन सा सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन से, प्लीज गो आउट ऑफ द क्लास। कृपया आप क्लास से बाहर से, क्वाइटली यानी शांत से, क्वाइट बी क्वाइट, बी क्वाइटली। जी हाँ दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं टेन नंबर क्वेश्चन की तरफ। ही सफरिंग डैश डैश फीवर। जी हाँ दोस्तों, इसमें चार ऑप्शन देंगे, पहला ऑप्शन है ए एट, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी बाय। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें हमें सही ऑप्शन का चयन करना है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग के साथ फ्रॉम फीवर का फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया ही जाता है। चल रहे हैं इलेवन नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि मोना इज स्टैंडिंग, मोना इज स्टैंडिंग, मोना खड़ी है डैश डैश द अलमीरा, यानी अलमीरा के पास खड़ी है। जहाँ दोस्तों, कभी भी प्रीपोजिशन का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप सही ऑप्शन चुनना चाहते हैं तो उस ऑप्शन उस प्रीपोजिशन से दिए हुए वाक्य का सही मीनिंग निकालिए, तब आप सही ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी अब आपको पता चल गया कि सी ही सही होगा। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस। जहाँ दोस्तों, आपको फ्रेज का सही मीनिंग चुनना है। कट डाउन, कट का क्या अर्थ होता है, काटना, डाउन को तो नीचे नीचे की तरफ काटना। इसमें चार ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन है डिस्ट्रॉय, दूसरा है रिड्यूज, तीसरा है पैन और चौथा है अटैक। जी हाँ दोस्तों, इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन में क्या होगा, तो करेक्ट कट डाउन यानी जितना प्राइस दिया गया उससे कट करके देना था, रिड्यूज करना, बिल्कुल सही है।